प्रधानमंत्री के आदेश के बाद कानपुर पुलिस भी पूरी तरीके से लॉकडाउन में अपना सहयोग कर रही है। लॉकडाउन के चलते किस तरह कानपुर पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है, आइए जानते हैं उनसे उनकी मन की बात। नमस्कार, इस वक्त हम लोग कानपुर के नवस्था बाईपास चौराहे पर हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे कितना पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। रोडों पे चारों तरफ आपको सन्नाटा दिखाई देगा लॉकडाउन के चलते। और जानकारी देते हैं अपने पुलिस के जवानों से कि किस तरीके से वो लोग जो लॉकडाउन के पहले दुकानें खुली होती थी तो कुछ अपना नाश्ता पानी करके अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते थे, खाना वगैरह खा के। लेकिन लॉकडाउन के बाद दुकानें बंद होने के बाद अब वो किस तरीके से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको 8 घंटे से ज़्यादा फील्ड पर रह के मेहनत करनी पड़ रही है, अपनी ड्यूटी और ज़्यादा देनी पड़ रही है। तो आइए जानकारी करते हैं अपने पुलिस के जवानों से कि इस समय उनका रूटीन क्या है डेली का, किस तरीके से वो आपके अपनी ड्यूटी को बढ़ा के अपना सहयोग दे रहे हैं। देखिए स्टार्ट। सर, हम नौबस्ता थाना के जो अध्यक्ष हैं हमारे आशीष जी, उनके साथ हैं और जानकारी करते हैं किस तरीके से उनकी पूरी टीम नौबस्ता बाईपास चौराहे पर खड़ी है, क्या रूटीन है उनका, किस तरीके से वो अपनी ड्यूटी यहाँ पर दे रहे हैं। से 11 बजे तक लॉकडाउन को नहीं रखा गया है, यानी कि उसमें पब्लिक जनता अपनी रोजमर्रा की चीज़ें लेने के लिए निकल सकती है। तो थोड़ा सा पहले आकर के, यानी करीब 10 बजे से हम लोग आकर के लोगों को प्रेरित करते हैं कि अपने समय से लेकर के अपने रोजमर्रा की चीज़ें अपने घर में चले जाएं, जिससे 11 बजे से हम लोग लॉकडाउन का पूरा पालन कराया जा सके। क्या रूटीन है समय लॉकडाउन से पहले आप लोग या जो भी पुलिस के जवान रोड पे होते थे तो कुछ दुकानें खुली होती थी, चाहे नाश्ता, क्योंकि खाना तो साथ नहीं खा के आया जा सकता, तो अपनी 8 घंटे की ड्यूटी पूरी करते थे। इस समय लॉकडाउन के चलते क्या रूटीन है आप लोगों का, क्योंकि 8 घंटे से ज़्यादा आप लोग को ड्यूटी देनी पड़ रही है। असल में अब हम लोग, क्योंकि ये ऐसी लॉकडाउन की ड्यूटी है जिसमें हम लोग स्कूल को छोड़ के जा नहीं सकते, ये जनसेवा और देश सेवा का मामला है। इसमें जरा सी भी लापरवाही हमारी हो सकता है कि बहुत बड़ा संकट पैदा कर दे। इसलिए हर प्रति व्यक्ति को चेक करना, उसको उसके आग्रह करना उससे कि असमय ना निकले। उनको भी हम लोग पहले सुबह अपना नाश्ता वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद फिर कोशिश करते हैं कि जब रात में या शाम को जा पाए तभी उसको किया जाए। देखा आपने किस तरीके से हमारे पुलिस के जवान हैं जो मेहनत कर रहे हैं, ड्यूटी अपनी निभा रहे हैं लॉकडाउन के चलते। रोडों पे आप देख रहे होंगे कितना सन्नाटा फैला हुआ है, फिर भी कुछ लोग हैं जो कि लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। मेरी आप सबसे अपील है, कृपया लॉकडाउन में सबका सहयोग करें, ये राष्ट्रहित में होने वाला कार्य है जो आपकी भलाई के लिए है, हम सबकी भलाई के लिए, पूरे देश की भलाई के लिए। 15% नीरज राजपूत के साथ।